सीधे आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के UPI ट्रांजेक्शन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने किया। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है। और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे, कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, एक कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे। कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने रामलल्ला की जन्मभूमि को इसके केस का निपटारा भी किया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी नरेंद्र। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कभी ये नहीं करती थी। हमने 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली, हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया। और अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में बम धमाका कर सके, ऐसा सुरक्षित भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसीलिए 2014 में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी। और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं, इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। मुझे बताओ, ये चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे क्या? 70% वोट प्राप्त करेंगे क्या? भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है, मेरे गौरवमंत कार्यकर्ताओं को करना है। और किससे मुकाबला है, किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावे किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे, गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या?
अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। मुझे बताओ भाई और बहनों, राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है? जोर से बोलो, किसके साथ है? और जोर से बोलो, किसके साथ है? ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। राहुल बाबा, आपकी नानी ने इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मित्रों, ये तुष्टिकरण करने वाले लोग, पांच साल के अंदर राजस्थान में जगह जगह पर बहुमती समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ, कन्हैया लाल को मार, सारे लोगों को मार दिया गया। ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। हमारा मत है न्याय सबके साथ होगा, तुष्टि का नहीं होगा।